नेशन न्यूज़ बिल्डिंग नेटवर्क, अमेरिका से खुश आमदीद मेरे दोस्तों। पाकिस्तान में जो टोटल जो डेवलपमेंट बजट मेरे ख्याल में 700 से 1000 अरब है, और हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो तकरीबन यही एहसास से 1000 अरब जो है ना वो नुकसान में जाकर गवर्नमेंट पर बोझ पड़ती हैं। तो इसलिए ये जो अमेरिका में कोई भी जो नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस जो जिसका नॉन यानी पब्लिक से ताल्लुक नहीं है, तो वो सारा बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी है। तो क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि इतनी पोटेंशियल है हमारे सरकारी इदारों में कि अगर अच्छी मैनेजमेंट हो और वो लोग जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेकर और मुल्क के लिए काम करते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी ये सेंस हो और उनमें यानी मुल्क और अवाम का दर्द हो, तो ये जो 1000 अरब रुपया जो है ना ये बचाया जा सकता है। और उसमें जो गवर्नमेंट होती हैं सियासी गवर्नमेंट, उनका भी बहुत दखल अमल होता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको अपना मिसाल के तौर पर एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पाकिस्तान में, मैं इदारे का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है कि आई हैव सीन के जिसमें बिल्कुल हाज़र सर्विस जो फ़ौज के मेजर जनरल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद जो है ना वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे इदारे होने के बावजूद भी ये जो मैं आपको सच्चा वाकया बताता हूँ कि वहाँ पे भी मैंने देखा है कि बिडिंग में पूलिंग सिस्टम है। पूल सिस्टम ये है कि अगर आप अखबार में बिडिंग आती है तो जिस बंदे ने लेनी होती है वो क्लर्कों से मिला होता है, और ये है कि वो जो है ना बंदे जो जितने भी बिडिंग होल्डर आते हैं वो सारी जिस बंदे ने लेनी होती है उनके पास उनके फ़ोन नंबर लिस्ट सारा, तो वो फिर उन जो है ना बंदों से जिन्होंने जो है ना ये बिडिंग में हिस्सा लेना होता है वो उनके साथ कांटेक्ट करता है और उनको फिर राज़ी करता है कि कोई भाई जिन पैसों में जितना राज़ी होता है कि आप जो है ना इस रेट से नीचे भरना है और ये आपको उसके अगेंस्ट आपको ये पैसे मिलेंगे, तो आप यानी एक जिसको कहते हैं कि सेरेमोनियल जो है ना शिरकत करना है। तो ये मैंने अपनी आंखों से मैं आपको बताऊं देखा है कि जो है ना ये एक तो पूलिंग सिस्टम है कि इसमें जो मिसाल के तौर पर मैं जब गया हूँ तो मैंने देखा है कि वो जो जो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया है बीडर, वो 15 साल से जो है ना एक ही यानी गवर्नमेंट को एक ही जो है ना किस्म का जो ख़जाने में जो उसकी होती है ना वैल्यू, तो वो जमा कराता था। मैं जब गया हूँ तो मेरे दोस्तों मैंने जो है ना उसी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यानी एक फिजिबिलिटी प्लान के मुताबिक आप कह सकते हैं कि 1200 गुना 12 टाइम मोर देन जो करंट जो बंदा कर रहा था 15 साल से, तो मैंने बढ़ाया है। उसके बाद आप यकीन माने कि मुझे इतनी बड़ी रिश्वत की ऑफ़र हुई है कि भई आप जो है ना ये ले लें और ये है कि ये जो है ना वो आप विदड्रॉ कर दें। तो मेरा क्योंकि मेरा मकसद एक मुल्क की खिदमत, और ये है कि एक जो कहा गया था कि इदारे को जो है ना वो ज़रूरत है फंडिंग की, तो इस वजह से मेरा पहले से ही मुझे जो रिक्वेस्ट की गई थी तो आई रिजेक्टेड ऑल देयर यू नो रिक्वेस्ट के भई मैं जो है ना विदड्रॉ कर दूँ। उसके बाद जो है ना मेरे दोस्तों ये है कि वो तकरीबन उसी जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था उसी की वैल्यू आज अगर आप यानी जो है ना वो सेंसिटिव है मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज उसी की वैल्यू यानी अगर मैं ना आता तो वो उस इदारे की वही बंदा होता और वही पैसे देता होता। और मैंने उसके जो है ना वो अभी उसकी वैल्यू यानी मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था 20 टाइम यानी अगर वो मिसाल के तौर पर अगर जो है ना गवर्नमेंट ख़जाने में आप फ़र्ज़ करें कि 3 रुपए जमा कराता था, तो अब ये है कि अब जो मौजूदा सिस्टम मैंने बनाया था वो 60 रुपए गवर्नमेंट ख़जाने में जमा होते। ये सिर्फ मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 1000 अरब रुपए जो हमारे डूबते हैं, हमारे कौम के डूबते हैं, और हमें एक एक यानी अगर $1 अरब कहें ना तो उसके लिए हम पूरी दुनिया में मांगते फिर रहे। तो अब यह है कि ये तकरीबन 7-8 अरब डॉलर हमारे पूरे साल का जो हर चीज़ हमारी
जो मुमकिन बन सकती है, तो वो हमारी जो है ना वो खूह में चली जाती है। तो ये सिस्टम मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अमेरिका से, इसीलिए मैं जो है ना बैठ कर आपके साथ ये सच्ची कहानियाँ शेयर करता हूँ कि देखिए हमारा मुल्क में ये नहीं है क्योंकि वसाइल की कमी है, या ये नहीं है कि हमारे पास जो है ना वो अल्लाह ताला ने कुछ दिया नहीं है, सब कुछ दिया है। हमारी नाअहली की वजह से उसमें जो सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, उसमें गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, उसमें अवाम भी शामिल है। हम भी मेरे दोस्तों जो है ना वो डंग टपाओ वाली पॉलिसी पर लोगों को सपोर्ट करते हैं। फिर ये है कि अगर आप देखें 22 करोड़ में टोटल 1,000 अगर आप मेंबर टोटल जितने भी हैं ब्यूरोक्रेट ये सारे यही 8-10 हज़ार जो है ना वो अगर आप हाई लेवल के लोग मिलाएं जिसमें MNA MPA कमिश्नर और जो की ब्यूरोक्रेट है 10 हज़ार, 10 हज़ार बंदे जो है ना 22 करोड़ पर जो है ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम लोग जो है ना चुप बैठे। वजह यह है कि हमारी अपनी डायरेक्शन नहीं है, हमें अब खुद पता नहीं है कि एक्चुअली हमने किस चीज़ को अपने मुल्क के लिए हमने जो है ना इन लोगों को अकाउंटेबल बनाना है। और यही मेरी बेसिक वजह होती है मेरी, जो ये सच्ची बातें मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने जो अपनी आंखों से देखा है कि अगर 1,000 अरब हमारा बच जाए तो आप देखें कि हमारी महंगाई कितनी नीचे आ जाए, हमारे डेवलपमेंट के जो है ना वो कितनी जो है ना वो आगे हमारी तरक्की हो सकती है। और उसके बाद तीसरा मैंने दो दोस्तों मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो बिडिंग का इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा सिस्टम है कि आप सोच भी, बिडिंग और रिक्रूटिंग यानी अपने गवर्नमेंट में ये जो आप इश्तिहार देखते हो ये सब फ्रॉड होता है। ये इश्तिहार मेरे दोस्तों मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के वो जो सिलेक्टेड करने वाले लोग उनके साथ मैं रहा हूँ, यानी उनके साथ हमने शिरकत की है। वो जो हमारे जो है ना मामू भी होते थे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर, तो मैं उनके साथ भी जाया करता था। उसके बाद ये है कि मैं अपनी आंखों से देखा है और मैंने, मैं आपको बिलीव नहीं कर सकते कि ये जो गवर्नमेंट रिक्रूटिंग का सिस्टम या अखबार में इश्तिहार आता है या बिडिंग के इश्तिहार, ये सब फ्रॉड होता है। इसमें मुमकिन ही नहीं है कि जिस बंदे को उन्होंने देना ना हो उसको मिल जाए, या कोई ना कोई जो है ना घपला। और इसमें ऐसी दो नंबर और घपला होता है कि जो मिसाल के तो ऑपरेटिंग कास्ट से नीचे भी बिडिंग होती है, इसलिए कि उन्होंने मिल के सब ने खाना होता है तो किसने देखना होता है। मेरे दोस्तों इधर या जैसे गल्फ में मैं रहा हूँ, अमेरिका में मैं अभी बैठा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि इधर जो है ना वो कोई भी जो क्वालिटी एश्योरेंस है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसको नंबर 1 प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि हमने जो देखना है कि अपनी मुल्क की खिदमत के लिए और अपने मुल्क को जो है ना वो एक डायरेक्शन देने के लिए आम पब्लिक, आप और मैं क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक रीज़न है और इसको आप सब तक पहुँचाएँ और सब जो पॉलिसी साज हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग कि ताकि वो इस चीज़ को, बिडिंग सिस्टम को, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम को, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो हालत है इसको बेहतर करें। तो इससे जो है ना बहुत से हमारे जो है ना वो जिसको कहते हैं 8-10 अरब डॉलर जो हमारी पूरी साल की सारे मसाइल का हल है, तो इससे हम जो है ना वो ओहदा बरा हो सकते हैं। फिर जो महंगाई का तूफान हुई, ऐसी सारी चीज़ें, इससे हम जो है ना वो ओहदा बरा हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इस पर जो है ना वो सेंस और अपना रोल प्ले करने की तौफीक अता फरमाए।